हेलो दोस्तों, यदि आप भी अपने एटीएम कार्ड के डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन, चाहे वो ट्रांजेक्शन कैश रिलेटेड हो या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, यदि आप अपने एटीएम कार्ड को इंडिविजुअली किसी एक के लिए बंद या चालू करना चाहते हो तो आप उसे ईजिली कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप को आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा, SBI क्विक ऐप के नाम से वो ऐप यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उसे ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद में आप यहाँ टाइप कर दीजिएगा SBI क्विक ऐप। SBI क्विक ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में ओपन कर लीजिएगा। ओपन ऑप्शन से आपको अवेलेबल हो गए, उनमें से फर्स्ट ऑप्शन जो रजिस्ट्रेशन है उस पर आपको क्लिक करना है, जहाँ पर ये चैट का निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पर चलो आप क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर एंटर करने होंगे। अकाउंट नंबर ऐड करने के एंटर कर देता हूँ मैं भी। एंटर करने के बाद में आपको आपके अकाउंट से मोबाइल से एक मैसेज जाएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका आपके बैंक में, वहाँ से एक कन्फर्मेशन कोड है। तो ये तो आपको वापस से सर्विसेज में बैग आना है। बैग आने के बाद में ATM से रिलेटेड कन्फिग्रेशन के लिए आपको करना है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप, तो यहाँ अपने ATM कार्ड के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर एंटर कर दीजिए। मैंने एंटर कर दिया है। तो आप अपने ATM कार्ड से रिलेटेड जितनी भी जो ट्रांजेक्शन उनको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया ATM कार्ड की ट्रांजेक्शन जो कैश से रिलेटेड है, तो मैंने अपने ATM कार्ड को ऑन करना है, तो मैंने ऑन के पे कर दिया है। तो यहाँ पर बैंक, तो ये मैसेज चला गया है मेरे मोबाइल नंबर से, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। तो बैंक से एक कन्फर्मेशन कोड मिलेगा मुझे, उसमें बता देंगे कि आपका जो ATM कार्ड है वो पहले से बंद था, उसको हमने ऑन कर दिया। तो मैं आपको ये मैसेज दिखा देता हूँ कि मैसेज ये रहा, यहाँ योर ATM कार्ड स्विचिंग ऑन सर्विस प्रोसेस सक्सेसफुली। तो आपका ATM कार्ड ऑफ से ऑन हो गया। तो इसी तरीके से